नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीटीसी या फिर डीएलएड करने के लिए आपको प्रत्येक सेमेस्टर में एक महीने का इंटर्नशिप परिषदीय स्कूल में करना होता है। दोस्तों, बहुत से जिलों से यह हमेशा शिकायत आती रहती है डायट प्राचार्य के पास कि इंटर्नशिप के दौरान छात्र उपस्थित नहीं होते हैं पठन पाठन की कार्य करने के लिए। दोस्तों, अभी हाल ही में मथुरा का एक मामला सामने आया है और डायट प्राचार्य के द्वारा कड़े कदम उठाए गए हैं इसके संदर्भ में। इस वीडियो में मैं पूरा बात करूंगा। यदि आप भी इंटर्नशिप के दौरान उपस्थित नहीं पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर, और यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के चैनल पे नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक महीने का इंटर्नशिप होता है बीटीसी में प्रत्येक सेमेस्टर में, जिसमें अभ्यर्थियों को परिषदीय स्कूल में जा करके पठन पाठन का कार्य करना होता है। दोस्तों, अभी हाल ही में मथुरा ज़िले में 86 कॉलेज हैं जिसमें से यह प्रकाश में आया है कि अधिकतर प्राइवेट इंस्टीट्यूट बिना किसी अभ्यर्थी को इंटर्नशिप पे भेजे उनको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। और इसके अलावा कई स्कूलों में यह भी खामियां देखने को मिली है कि परिषदीय विद्यालय अलॉट हो जाने के बाद भी बीटीसी अभ्यर्थी वहां उपस्थित होकर के पठन पाठन कार्य नहीं कर रहे थे, जिसकी शिकायत परिषदीय विद्यालय की प्रिंसिपल ने डायट प्राचार्य से की। दोस्तों, डायट प्राचार्य ने उस अभ्यर्थी के संबंधित निजी संस्थान को लेटर जारी करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों, अब एक बार इसी के संदर्भ में आप पेपर में एक आर्टिकल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, इसमें आप पूरा देख सकते हैं और इसे पढ़ना चाहें तो इस वीडियो को पॉज करते हुए पढ़ सकते हैं। अब एक बार बात कर लेते हैं कि क्या कार्यवाही हो सकती है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इंटर्नशिप में पास होने के लिए 50 नंबर पाना अनिवार्य होता है। यदि आप 50 नंबर से कम होते हैं तो आपको फेल माना जाएगा और फिर से आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में पास माने जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपके खिलाफ भी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है या फिर डायट प्राचार्य के द्वारा अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार बैक लगने के बाद से कितनी समस्या होती है उसको क्लियर करने में बीटीसी या फिर डीएलएड में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपना इंटर्नशिप सही ढंग से कंप्लीट करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।